कितना प्यारा लग रहा है, मतलब तीन चार किलो की तो होगी भाई, 3 किलो की तो होगी। इस पे बढ़िया हाथ रखो, कोई दिक्कत नहीं। और फिटिंग की अगर तुम बात करोगे तो यू देख सकते हो फिटिंग लगेगी मस्त चीज पूरी लगने के बाद। मुंह भी हुई होना का तो। हेलो भाई, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूँ आज की इस नई और खतरनाक वीडियो में। आज अगर आप लोकेशन देखोगे तो भाई साहब हमने एक नंबर लोकेशन ढूंढ के निकाली जहाँ पे ऐसे थोड़े थोड़े लिटिल लिटिल से काटे, इनसे हमको बच के रहना पड़ेगा। बाकी आज का मेन मकसद मैं आपको दिखाता हूँ। अपने पीछे खड़ा है भाई रेड हल्क, अपने पीछे खड़ा है भाई रेड हल्क, और इसमें अपन ने बहुत सारी मॉडिफिकेशन करी, कुछ दिखने के लिए कुछ ऐसी करी भाई जो मतलब जिससे अपने को फ़ायदा मिला। जैसे हॉर्न की आप बात करोगे तो बहुत से भाइयों को लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन भाई इनका यूज़ भी है। मतलब ट्रैक्टर में ऐसा होता है कि भाई एकदम आपका अगर वजन ज़्यादा है तो एकदम ब्रेक तो लगा नहीं सकते, लेकिन आप जब इन चार हॉर्न को बजाओगे तो भाई आपको पब्लिक ऐसा साइड दे देगी। बाकी बहुत सी चीज़ लगी। आज का मेन मकसद ये है भाई मेरा कि भाई चलो अपन ने इतनी सारी चीज़ें लगी, पैसा लगाया वो अलग बात है, अभी हम ऐसी चीज़ लगाने वाले जिससे भाई आपको एक नंबर का कंफर्ट मिलेगा। और एक नंबर है भी चीज़ है भाई, कोई ऐसी लोकल चीज़ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है, काफ़ी महंगी भी बोल सकते हो एक हिसाब से, जिस हिसाब से वो है। वो चीज़ क्या है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अगर भाई अपन स्वराज की सीट पे बैठते हैं तो देखो इसमें अपन ने कंफर्ट के लिए 2-3 चीज़ करा रखी है। सबसे पहले अगर आप इसकी सीट देखोगे, इसकी सीट में भाई मैंने एक्स्ट्रा गादी लगवा रखी है यहाँ पे, हालांकि वो आपको ऐसे पता नहीं चलेगी क्योंकि इसके ऊपर कवर चढ़ा है। दूसरी चीज़, एक तो भाई यहाँ से मैंने कंफर्ट इसका ठीक कर लिया। दूसरा अगर आपको दिखो तो भाई यहाँ पे ये जो नेट चढ़ी है, इससे क्या होता है जब ट्रैक्टर हीट होता है थोड़ा सा गर्म होगा, हालांकि आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा अगर आपका ट्रैक्टर गर्म होता है तो आप ये चीज़ मत लगाओ, लेकिन नॉर्मल चलाते हो नॉर्मल आपका गर्म होता है तो भाई आप यहाँ पे ऐसे नेट लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो मतलब गर्म ट्रैक्टर की इंजन की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, सोनू बफाल या हीट, वो आपके चेहरे पे नहीं लगेगी। तीसरी चीज़ अगर आपको दिखो तो भाई यहाँ पे है इसमें ये अपने मेसी ट्रैक्टर में जो रेस लगी हुई आती है ना पुराने मेसियों में कंपनी से, वो वाली भाई यहाँ पे अपने चीज़ लगवा रखी है। कैमरा मैन से मैं बोलूँगा भाई दूसरी साइड आप भाई इस रेस का ये फ़ायदा है कि जब आप ट्रैक्टर को रोड पे तेज चला रहे हो तो आप भाई यहाँ पे अगर पैर रखोगे तो आप धीरे धीरे खिसलते खिसलते आगे आ जाओगे। तो हमने यहाँ पे ये रेस लगा दी, इससे फ़ायदा ये है कि आप इसके ऊपर पैर रखो तो आपके यहाँ से पैर भी सीधे रहेंगे, आपके पैर में दर्द भी नहीं होगा, और जितनी आपको रेस देना है वो आप यहाँ से पेडल प्रेस करो या आपका भागते ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो। अब मेन मेरे को कमी ये लगती है भाई इसमें कि जैसे मैं बैठा हूँ तो भाई हमारे को यहाँ पे हाथ रखने की कोई सुविधा नहीं मिल रही। मैं सोच रहा हूँ भाई क्यों ना इसमें ऐसी कोई चीज़ लगाई जाए यहाँ पे जिस पे भाई आप ऐसे बढ़िया आराम से हाथ रख के बैठ जाओ। जब कल्टीवेटर सिडिल चला दे तब तो खैर आपको लिफ्टों पे रखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल जब आप चलाते हो तो यहाँ पे कुछ हाथ रखने का सिस्टम हो, वो वाली चीज़ हम करने वाले हैं। एक नंबर की चीज़ है, आगे आपको वो दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। बाकी स्टेयरिंग भी अपन ने छोटा डाल लिया तो अब यहाँ पे जगह भी हो गई, कंफर्ट तो बढ़िया है, लेकिन बस मेरे को यही चीज़ लग रही है भाई यहाँ पे कुछ लगना चाहिए। तो यहाँ के मैंने क्या चीज़ लाया हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो भाई न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में आता है, एक मिनट खोल के दिखाता हूँ। यहीं से आप देखोगे इसमें वजन कितना होगा जो आवाज आई ना, मतलब इस पत्ती में पास से दिखाई वो पत्ती 3-4 किलो की तो होगी भाई, 3 किलो की तो होगी, मतलब इसमें बहुत वजन है और हैवी है। ऐसा नहीं कि ये देखो ना कितना मोटा सिस्टम है, जो न्यू हॉलैंड आपने देखा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में लगी हुई आती कंपनी से, ये वही वाली चीज़ है ये देखो। और ऐसे भी नहीं, ये देखो दबाओ, यो कंफर्ट भी है इसमें, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी चीज़ लगा दी वीडियो के चक्कर में, ऐसा नहीं है, ये बढ़िया प्यारी चीज़ है। आप इस पर ऐसे हाथ रखोगे ना भाई साहब एक नंबर का मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल नरम नरम सी चीज़ है। बाकी ये होती भाई न्यू हॉलैंड में लगी हुई स्पेशल एडिशन या फिर ऐसे कोई कोई से इसके मॉडल जिनमें मैंने ये लगी देखी है। अब इसको मैं लगाऊंगा कैसे, तो एक तो आपको यहाँ पे इसमें ये पॉइंट दिखता है, ये भाई कुछ ऐसे फिट हो जाएगा, ऐसे कुछ फिट होगा ये, और ये वाली जो पत्ती है इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 होल दिए हुए हैं, हालांकि ये छेद मेरे को लगता है काम में नहीं आएंगे क्योंकि ये न्यू हॉलैंड या फिर ऐसे कोई से ट्रैक्टर के हिसाब से है जो इसमें फिट नहीं होगा। लेकिन आप इसको कैसे फिट कर सकते हो वो आगे मतलब आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। अब ये पत्ती लगेगी भाई यहाँ पे, तो आप नट देख रहे हो, ये देखो ये साइज में तो नहीं आए, ये दिखा भाई ये नट है देख रहे हो, अपने को दूसरे होल बनाना पड़ेगा इसका मतलब। और अगर आपको दिखो तो ये सीट के नाप में ही होती है, हालांकि क्योंकि सीट तो लगभग सारे ट्रैक्टरों की सेम होती है। देखो लगेगी मस्त चीज पूरी लगने के बाद, आप इसको ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो। अभी अपने को क्या करना है, अपन लेके चलते हैं अपने ट्रैक्टर को, पास में ही अपना घर है वहां पे ये सीट खोलते हैं। सबसे पहले 2 नटों से इसको खोलना पड़ेगा, उसके बाद में भाई अपनी इस मोटी सी पत्ती में अपने को होल बनाना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम है क्योंकि इतनी मजबूत है मत पूछो, लेकिन अपन इसमें
होल तो बना ही लेंगे। चलो चलते हैं घर। घर भी भाई अगर देखोगे तो देखो काम इतना फास्ट एंड फ्यूरियस चल रहा है अपने उसका मकान गेरी जो भी सिस्टम बन रहा है बनने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे हमें मनु डॉन मिल चुका है जो कि बिना क्लच दबाए ट्रैक्टर चालू करने की इसमें जो है वो भरपूर कर रहा है। अरे तू तो उतर जा यार बच्चे ले उतर बोको फिट करा भी जरा मनु थोड़ा से नहीं संभले। दो दो कारीगर मैंने लगा दिया लेकिन इनको समझ नहीं बैठ रही किधर क्या करना है। कहाँ बट रही तो इधर से मैं बताता जा रहा हूँ फिर भी ना समझ पा रहे बालक क्या हो गया। हे कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ अड़ गई तो नहीं आई रही अंदर। एक हुटा बेटा मैनू हुटा इसको अब एक ऊपर से लगा अब ऊपर से लगा यह से जान दे जान दे जान दे आई गई चौड़ा कर दे जरा तो हम भी कर देंगे बस तो ये ठेकेदार साहब अरे ज्यादा मत कर दो यार इधर से लगा पीछे से लगा ना हैं यो कहां का कर दियो तुमने आप दूसरा कर दियो एक कर दियो हल्को सो बाहर का जो बिल्कुल एक तुम्हारो जो भी रहे छोटो वाला सिस्टम बिल्कुल चुन्नी बराबर बस बस एक भी हल्को 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 क्यों लगे भी बस बैल बुद्धि इधर से लगे यो यहां लग हां ये आई हो ये भाई बीच में इसको छोड़ के आना है तो ये बिना सीट का ले जा रहा है इसको एक बार ये छोड़ के वापस आ जाए फिर भाई अपन इसमें अपना सिस्टम डालते हैं वो वाला। अभी हो चुकी है रात और रात में हमारी डल रही भाई 10:30 बजे रात को वीडियो आज ये देखो 10:30 बजे रात को भाई वीडियो डल रही है अपनी बताओ यो डल रही इसको डलने दो अगर बाहर काम डल दिखाऊँ तो भाई इनसे कहीं काम नहीं हो रहा नहीं। क्या हो रहा कई को पंडित जी हो कि नहीं छेद लोहो बहुत हार्ड है अरे हार्ड है मतलब बहुत मोटी पत्ती है नहीं वो बर्मो खत्म होगा देख बेटा बर्मो अरे बर्मो फिर सुन छोटा वाला से छेद रहा ये देख तो अरे सही होगा सही तो पंडित जी से अकल ले सलाह ले दूसरो नहीं है छोटा वाला धार वाला लगाना यार नोकी वाला नहीं तो फिर बड़ो कसो करेगा फिर वो अटक के चला कर देगा नीचे नहीं 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 वो यो अटक के चला वो भाई अंदर नहीं भरी रहा यो अटक के चला वो धीरे धीरे ही भरा होगा बता छोड़ ये लोहा भी तो डेंजर है वहाँ मशीन चाहिए वो जो लोहार उन पास रहे नहीं दवाई ने करना वाली वा वाली चाहिए रात भर भी चलाया करेगा तो होएगा कि नहीं रात भर चलाया करो सुबह तक होएगा तो से होएगा भाई साहब ठंड बहुत तगड़ी है और यो मेरे को लगा था कि इसमें पत्ती में होल नहीं होगा इसलिए मैंने कहा इसको सुबह करवाऊंगा मतलब करवा के लाना पड़ेगा अपने से नहीं होगा लेकिन हमारे दो जो लोहार लोहारी होन है कवाड़ी होन में बोल रहे हैं घंटों खान चला जो होगा अरे बड़ी घंटों खान चलाओ फिर सोई लो थोड़ी देर फिर चलाओ बारी बारी से चलाओ वजन दियो अरे वो तो सब लोग वजन दिए नहीं चलाए हो पूरा वजन दियो को हाथ से लाल से दी बेचारा का मुंह भी हुई होना का तो वो तो सोनू एक 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 सुबह एक सुबह ले जानू पड़ा वो पंडित जी अरे पंडित जी तुम रहते हो यार पंडित जी अपना साईं बाबा की पूजा पाठ करने से अरे भले ही कट्टा ले कर रुक जाओ पंडित जी रहन दो फिर एक भाई सुबह लीली आलू पड़ा वो मशीन पर वो जो बेल्डिंग वालों के पास नहीं रहती बड़ी वाली यार वही बताओ हरा के दिखा जा जो तू हरी भाई का पड़ा वो मत बचे पर मशीन के जरिए राम राम चला ये बहुत गर्म ही थी मत बचे तू ओको बर्मो खराब हो जाए वो पर वो मुझे इतनी होए बहुत हार्ड है A few moments later. पिछले एक घंटे से स्पेशल रही और छेद देखो अरे खत्म
पट्टी जी धार नहीं रे, यो बहुत हार्ड है, यो मोटी देखो नी, पत्ती कितनी मोटी है। अरे मत मनु, हाँ नहीं कर, नहीं होगा, नहीं होगा। लेप मशीन में जो, हाँ वही करोगे, बहुत ज्यादा हैवी है यो। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, टूट जाएगा। नहीं ऐसा यू कर भी देगा नहीं। मरे वो सुनो पंडित जी, अगर इन्हें छोटो छेद कर दे फिर बड़ो थोड़ी ना करन देगी मशीन, जैसे घुमा के पूरी पट्टी घूमी जाएगी, खट खट अड़सेगी। अरे नहीं होता वो तो सब हमका मालूम है, एकदम छेद हो ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, सुबह में करवा ही लूंगा। वही तो सो समय से सुबह करवा के लाएंगे। लमन ये को खोल कर रख दे भाई साहब। अभी तुमने देखा सारी रामलीला फैल गई, पंडित जी भी चल दिए, रोकने के बाद भी नहीं रुक रहे क्योंकि ठंड बहुत तेज है। तो अपन इसको करेंगे सुबह भाई, सीधा मिलते हैं सुबह। भाई सुबह से ये पत्ती लेके पहुंच गई, मोटी भी तो इतनी है, मत पूछो इतनी मोटी, देख रहे हो कितनी मजबूत है, ज्यादा ही मजबूती काम हो गया। ठीक है मत यार बेचारी बूढ़ी के, यो इससे होगा भाई छेद, ये दिख रहा ये वाला बर्मा, ये वाला इससे छेद होगा इसमें। हाँ ये देखो कितने खट से हो गया छेद होल। मशीन भी तो बड़ी है अपनी, छोटी है बेचारी। भाई अभी हमने इसमें छेद तो बनवा के लाए, लेकिन छेद गलत करवा लिया। देखो तुम्हें यो एक छेद तो देखो, यो मैच हो गया, ठीक है यो हो गया मैच, लेकिन अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कहाँ गया, ये चक्कर हो गया। एक होल तो मिल गया, अब दूसरा नहीं मिल रहा। तो अब हम राधेश्याम और मैं जा रहा हूँ, इसको भी ले चले अपन, चलो है नहीं, तब वो अपन आपसे कर देगा। चलो तो और आइए उठाओ, अब भी करवा के लाते हैं। इससे तो ट्रैक्टर ही ले जाता यार मैं, लेकिन मैंने सोचा कि नाप लगा लूँ, अब हमारा नाप ख़राब होगा। अब वो सीट ले चलते हैं तो भाई उससे ये हो जाएगा। अब ये भाई आपको ये परेशानी कोई नहीं दिखाएगा, सब यही दिखाएंगे कि मैंने ये लाया ट्रैक्टर में लगाया होल किया फिट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। इन चीज़ों में बड़ी मगजमारी लगती है, खोला धरी फिर होल इधर उधर गड़बड़ हो जाना, क्योंकि सही नाप लेते हमको आया नहीं। चलो फटाफट से इसका सही छेद करवा के वापस आता हूँ, फिर भाई करते हैं इसको फिट और आपको दिखाता हूँ। और कहाँ जाएंगे, भाई इसका साइलेंसर अभी हमने खोल दिया क्योंकि ये बहुत तेज आवाज कर रहा था, तो इसका डर लगेगा भाई ओरिजिनल साइलेंसर। बाकी अगर आपको अपनी इस फिटिंग के बारे में दिखाऊं, इस पर मैंने पेंट भी कर दिया था। यो देखो भाई आराम से बैठो अपना मस्त, यो देखो इस पर बढ़िया हाथ रखो, कोई दिक्कत नहीं। और फिटिंग की अगर तुम बात करोगे तो यो देख सकते हो फिटिंग यहाँ से, ये इस नटों से हुई है, जो ओरिजिनल नट थे ना उन्हीं से अपन ने इसकी फिटिंग कर दी। मतलब देखने में भाई बहुत मस्त लग रहा है। बात आती है भाई इसके प्राइस की, तो भाई यो आपको पड़ जाएगा 1700 रुपये में भाई मेरे को मिला। और फिटिंग विटिंग की बात करें तो फिटिंग तो देखो अपन ने ही करी है, बाकी इसमें छेद बनवाए दो क्या मेरा एक गड़बड़ हो गया, तो उस चक्कर में 30 रुपये लगे। बाकी तो भाई इसमें कोई खर्चा है नहीं, बस 1700 का ही खर्चा है, 1700 लगाओ एकदम भाई मस्त मजे लो, कितना प्यारा लग रहा। मतलब यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो ऐसा मस्त लगता। मैंने इधर ओपर बट तो जरा एक बार देखते हैं भाई, ये ऐसा आदमी जब बैठता है तो बैठा हुआ उस पर कैसे लगता है, हाथ रख देख तो क्या फीलिंग है। अच्छा बढ़िया है, ये देखो बढ़िया है, ऐसे हाथ रख के आदमी इस पर बैठ भी सकता है। तो यो थी भाई आज की वीडियो में इतना ही, ये इसका प्राइस भी मैंने आपको बता ही दिया, एक नंबर चीज़ है, बढ़िया मस्त ऐसे कम्फर्ट में, यहाँ पैर रख ना यहाँ पैर रख, यो बढ़िया आराम से चलाओ ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी भाई आज के इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में था इतना ही, वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, ऐसे नई नई चीज़ें इसमें आती रहेगी। धन्यवाद, जय राम जी की।